कितना खेती करे ना? 2 बीघा। इमे का दिक्कत होला खेती करे में? खेती करे में पानी नहीं है, सबसे दिक्कत बोलते पानी है। यहाँ बोरिंग के कोनो सुविधे नहीं है सरकार देते, आ समय पर बरखा होते नहीं है, उससे दिक्कत होला जब फसल ना होला। अब अपने खाए के आदमी सोचे पड़ला कि उतना खेती करके अपना परिवार के सुविधा के तरह होगी का खाइए। दुनिया के लिए अन्नदाता कहे जाने वाले किसान जो खेतों में कड़ी परिश्रम करके फसल उगाते हैं, उसके बावजूद आर्थिक तंगी के शिकार किसान ही हैं। वजह कृषि यंत्र और रासायनिक खादों की महंगाई और दूसरी सिंचाई की कमी, जिस वजह से किसान के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कई सरकार आए और गए, लेकिन किसान की समस्या वहीं के वहीं बनी हुई है। ग्राम समेत डुमरी प्रखंड गवनाहा के बाबूलाल खुजवार एक छोटे किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर जमीन खेती करने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। वजह कम पैदावार होना। यही हाल पूरे प्रखंड क्षेत्र की सभी किसानों की है। गाँव में कितना लोग किसान बाटे जेकर ई सबसे दिक्कत बा पानी की सिंचाई से? सारा गांव के तो वही तरह दिक्कत बाटे, केहू तरह हुई तो 300-350 घर से कम नहीं हुई गांव में। सब केहू के तो वह दिक्कत बा पानी का अभाव बा। पूरा प्रखंड में तो वह हाल बा, कहीं बोरिंग हैले नहीं है, कहीं नहर के सुविधा नहीं है। कौनो नहर के सुविधा सरकार दिल ही नहीं है, न बोरिंग बा, न नहर बा, न पानी पझार बा, कुछो नहीं है। सब भगवान के भरोसे, पानी होखेला तो खेती होला या ना तो वही तरह चुपचाप आदमी ताकत रहे। रउआ का चाहता नहीं मैं? एमे सरकार बोरिंग दी तो तब हमारे गांव के सुविधा हुई। किसान लोग का सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई का, इसके लिए कोई मतलब आप लोग की तरफ से कोई? बिल्कुल, आत्मा के द्वारा जी स्प्रिंकलर ड्रिप इरीगेशन सिंचाई की हेतु सुविधा उपलब्ध है। किसानों को हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ के स्कीम को लिया भी है। थोड़ी दिक्कत आ रही है किसानों को कि इसमें पहले पूंजी लगाना पड़ता है, तदुपरांत अनुदान की राशि मिलती है। कितना पूंजी लगाना पड़ता है? वो तो रेट के ऊपर है, दुकानदार के यहाँ जो रेट है जी, उस रेट के अनुसार है। उसमें 75% अनुदान है। बोरिंग के लिए है क्या कि सैलो ट्यूबवेल प्रोग्राम के अंतर्गत आपको आवेदन देना होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृत करा के जल संसाधन विभाग माइनर इरीगेशन को आवेदन हम लोग भेजेंगे। भेजने के बाद उनके देखरेख में आपकी बोरिंग होगी, उनके इंजीनियर आके उसका मापी वगैरह करेंगे, स्थल जांच हम लोग के द्वारा होगा, तदुपरांत अनुदान की राशि आपके खाते में जाएगी। मैं भी एक किसान परिवार की महिला हूँ, सिंचाई व्यवस्था का अभाव से मैं भी जूझ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम किसानों की सिंचाई व्यवस्था दिया जाए। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 8987089570, इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजीव पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।